हेलो, कैसे हो? स्वागत है आपके मेरे चैनल किरी किरी पर। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग ठीक हो, पर मैं तो ठीक नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि कल हुआ बहुत बड़ा तमाशा। कहाँ? मेरे घर पे। और कहाँ? हुआ ये कि एक हफ्ते पहले ना मुझे मेरी फ्रेंड का मैसेज आया था कि उसकी शादी हो रही है, तो उसने हमें इनवाइट किया है रिसेप्शन पे। तो मैं तो भाई इनविटेशन देख कर एक्साइट हो गई कि फाइनली मैं कहीं बाहर जाऊंगी, फाइनली मुझे रेडी होने का मौका मिलेगा, फाइनली मैं कोई शादी अटेंड कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा मौका मिलता नहीं है। और मौका मिलता है तो भी कुछ ना कुछ वजह से कैंसिल हो जाता है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई थी। तो हालांकि मैंने उसी दिन मैंने घर पे आके पापा को बताया था कि मेरी फ्रेंड की शादी हो रही है, ऐसा वैसा बोला है, पर पापा ने इग्नोर कर दिया कि हाँ ठीक है, इग्नोर कर दिया। पर कल मैं आके बोली उनको, तो उनका तो रौद्र रूप सामने आ गया। इज लाइक नहीं, तू नहीं जाएगी, तू इतने रात को, मतलब रात का है ये रिसेप्शन, तो तू नहीं जाएगी, कौन है तेरे साथ? मेरे साथ एक्चुअली दो फ्रेंड है, बट एक सांता क्रूज में रहती है और एक दादर में रहती है, और मैं अकेली रहती हूँ नाला सुपारा में। तो इज लाइक इतने रात को नहीं जाने का, नहीं जाने का बाहर, ऐसा वैसा, आजकल का टाइम अच्छा नहीं है, ये वो। तो मैं भी गुस्से में आ गई कि ये क्या बात हुई यार, ऐसा तो नहीं है कि मैं कभी रात को आई नहीं हूँ। इससे पहले भी मैं कई बार रात को आई हूँ, मतलब कुछ काम रहते तो मैं रात को आती हूँ। और दूसरा कि मुझे ऐसा नहीं कि रास्ता पता नहीं, इतने सालों से मैं रहती हूँ तो मुझे रास्ता पता है। ऐसा कुछ मतलब इतना डर अचानक से क्यों है मुझे समझ नहीं आया। तो वही कल वही बहुत किरी किरी हुआ, आंसू बहे, तमाशा हुआ, एक्शन सीन नहीं हुआ बट मतलब मार तो नहीं पड़ी, बट हाँ किरी किरी तो हुआ बहुत। तो पापा बहुत गुस्से में थे कि नहीं जाने का, क्यों जाने का, क्या है इतना, ऐसा वैसा। बट मेरा ये है कि भाई मैं कहीं नहीं जाती घूमने, मैं कहीं, मतलब लिटरली मैं कहीं नहीं जाती घूमने, कहीं मुझे जाने को मिलता नहीं। और ऐसे कोई मतलब मेरे उम्र के लोग कैसे बाहर जाते हैं फ्रेंड के साथ आउटिंग करने, घूमने फिरने, मूवी देखने, रेस्टोरेंट में खाना खाने और रिसोर्ट में जाते, कहाँ कहाँ जाते, मैं कहीं नहीं जाती हूँ। एक तो कि मुझे फालतू के खर्चे करना पसंद नहीं है, मतलब मूवी जाना, या मुझे वहाँ पर ऐसा लगता है कि पैसे खर्च करना वेस्ट है, तो मैं जाती नहीं हूँ। और फ्रेंड तो फ्रेंड लोग अपने अपने लाइफ में बिजी है, तो कहीं जाने का कुछ मौका मिलता नहीं है। और शादी तो भाई जब से सीए करी ना, कोई शादी मुझे मिली नहीं रही, क्योंकि मेरे जो भी रिलेटिव्स की शादी है सब गाँव में होती है, तो मैं जा ही नहीं पाती हूँ। अभी भी मई में शादी है बट मैं नहीं जा सकती, तो मेरे को कोई शादी अटेंड करने का मौका ही नहीं मिलता। लाइफ एकदम सी बेकार हो गई है। तो मेरे को ऐसा था कि एक मौका मिला शादी में जाने का, तो मैं क्यों ना जाऊँ। मतलब ऐसा नहीं है कि जिसकी शादी में मैं जा रही हूँ वो बहुत मेरे से क्लोज है, नहीं, मैं नहीं जाऊँगी तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट मैं मेरे लिए जाना चाहती थी, मैं अपनी खुशी के लिए जाना चाहती थी। और मेरा ऐसा है कि अगर मैं किसी चीज़ को लेकर एक्साइटेड और किसी ने उसको टोक दिया, किसी ने उसको रोक दिया, तो फिर मेरा मूड ऑफ हो जाता है, और फिर मैं भी क्वेश्चन करने लगती हूँ कि जाऊँ कि नहीं। ऐसा लगता है मतलब किसी को दुखी करके जाना, मुझे बहुत गिल्टी फील होता है। तो कल वही सब हो रहा था, मेरे को समझ नहीं रह समझता नहीं है। अभी कुछ लोग बोलेंगे इसमें कि सही तो कह रहे तेरे पापा, इतने रात को बाहर जा रही है, तेरे पेरेंट्स है, उन लोग तेरे लिए प्रोटेक्टिव है, मतलब उनको टेंशन होती है, तुझे क्या मालूम पेरेंट्स लोग का ये ऐसा वैसा बोलेंगे। मैं मानती हूँ यार, मतलब मुझे समझ में आता है पेरेंट्स का कंसर्न, मुझे समझ में आता है कि वो अपने बच्चों को लेके प्रोटेक्टिव है, उनको डर लगता है, सब समझता है मेरे को। बट मेरा ऐसा है कि ऐसा बच्चा जो कहीं इतना जाता नहीं है, जिसको मतलब सही गलत की समझ है, और जो कहीं इतना घूमता फिरता नहीं है, बट फिर एक बार के लिए उसने मतलब वो खुद से जाना चाहता है कहीं पे, वो खुश है वहाँ जाने के लिए, तो तुम उस चीज़ पे अपने डर के लिए तुम उसको रोक रहे हो, तो थोड़ा गलत नहीं लगता? गलत मेरा मतलब है कि देखो एज अ पेरेंट्स तुम लोग को चिंता होगी ही, मैं भी मानती हूँ, बट तुम्हारे डर के लिए तुम अपने बच्चों को रोक रहे हो किसी चीज़ करने के लिए, या उसको कहीं जाने के लिए तुम रोक रहे हो, तो उस बच्चे का भी तो सोचो ना। मतलब बच्चे का भी तो सोचना चाहिए। तो और भी तरीके हैं बच्चों को प्रोटेक्ट करने का,
और भी बहुत सारे तरीके, उसको रोक देना कि कोई चीज करने से, ये फाइनल मतलब ये एक ही ऑप्शन नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है, बाकी मैं नहीं जानती। तो वही अभी मेरे दिमाग में, मतलब मेरा दिल और दिमाग दो चीज कह रहा है, दो चीज। मेरा दिल कह रहा है कि कोई बात नहीं यार सौम्या, जाना, तू इतनी कभी जाने का मौका नहीं मिलता है, जा, देखो अच्छा लगेगा, मजा आएगा, जा शादी में, कन्विंस कर ले पापा को, कुछ नहीं होगा, जा। और मेरा दिमाग कह रहा है कि क्यों जाना, मत जा, तेरे पापा वैसे भी थोड़े बीमार है, उनको क्यों टेंशन देना खाली फुकट, क्यों उनको, मतलब तू जाएगी तो ऐसा नहीं कि वो टेंशन फ्री रहेगी, तेरे आने तक उनको टेंशन लगी ही रहेगी, तो मत जा, क्या है, शादी तो है, छोड़ना, दिमाग ये कह रहा है। तो मेरा दिल और दिमाग दो अलग अलग चीजें कह रही है, हालांकि मैं हमेशा दिल के हारे हार जाती हूँ उनके सामने, बट क्या करूं, जाऊं कि नहीं, आपसे पूछने का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी तब तक मैंने डिसीजन ले लिया होगा। पता है मैंने इस शादी के लिए छुट्टी ली ऑफिस से, मैं इतनी एक्साइटेड थी। एक्चुअली शादी है ना माटुंगा में, बहुत दूर है नाला सुपारा से, तो इसलिए पापा थोड़ा कंसर्न है कि इतना दूर है, रात को जा रही है, ऐसा वैसा। तो मैंने छुट्टी भी ली, पता है, ऑफिस से शादी के लिए, क्योंकि मुझे जाना है शादी में। बट क्या करूँ अभी, कल इतना ये हुआ, किरकिर हुआ, ऊपर से मेरे पापा ने मेरे को हेल्थ वाला भी पॉइंट सामने लाया, मतलब जब आर्ग्यू होती है ना तो हेल्थ वाले पॉइंट भी लाया, क्योंकि अभी जैसे मेरे होम्योपैथी ट्रीटमेंट चल रहा है तो मैं काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं खा सकती, तो पापा बोलते हैं कि घर पे है तो हम लोग ध्यान रखते हैं सब चीज़ों का, बाहर जाएगी खाएगी ऐसा वैसा। तो उन्होंने उस बात पे मेरे को स्पीचलेस कर दिया उन्होंने, कि बात तो सही है। क्या करूं क्या करूं, मुझे जाना तो है, बट मैं किसी को ऐसे दुखी करके नहीं जा सकती, है ना, छोड़ो, देखते हैं। हाँ अभी तो टाइम है, अभी तो दोपहर हो रहा है, जाना तो शाम को है, तो शाम तक देखते क्या क्या होता है, और मैं बताऊंगी आपको कि फाइनली मैंने क्या डिसाइड किया, तो आप एंड तक बने रहना वीडियो में, ओके। अभी हम लोग ने कौन सा गेम खेला? अभी हम लोग ने नेम्स गेम खेला। और कौन जीता? कोई एक जीता क्या? कोई भी राउंड? तेजस जीता एक राउंड। जीता तू? नहीं, तू हार गया था। तूने नहीं बता पाया पर। तो मैं बताई ना फ्लावर का लास्ट में नाम। लक्ष जीता और कोई भी नहीं। सब सब यहाँ के बंदर प्रजाति है, सिवाय मेरे। जो भी जू में काम करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन लोग आओ और इन सारे जानवरों को लेके जाओ, यहाँ पे बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजाति है। ये क्यूट सी क्या है ये? कैट कैट क्यूट। आज जू की जरूरत है। सारे कुत्ते लोग सोए, उन लोग तुम लोग से बेटर है, चुपचाप कहाँ बैठते, नगर पालिका को बोल दो। उन लोग अच्छे, तुम लोग को तुम लोग को बंद करना चाहिए केज में, है ना, है ना, है। जरा देखिए, इनको भी डाल देना चाहिए, इनको, इसको भी डाल देना चाहिए नगर पालिका में, और ये जो लड़का है वो भी, और वो जो काली है उसको भी, वो देखो वो ब्लैक वाला डॉगी, उसको भी, ये देखो इसको, देखो देखो देखो, साफ साफ बन रहा। अरे नो नो नो, अरे नो अंग प्रदर्शन, सब 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 आगे बच्चे हो। गॉड सॉरी, ये तो रे, अरे ओ बा,
एटीट्यूड तो देखो। नो टॉमी, चिन्नो, टॉमी, ये देखो यहाँ पे आ गई। टॉमी 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 कम हियर। यहाँ के कुत्तों के भी इतना एटीट्यूड है कि क्या ही बताए। टॉमी, अय्या, डिड ही जस्ट इग्नोर्ड मी? मुझे कुत्ते में भावने देते। कुत्ते भी इग्नोर करते आजकल, बताओ। पॉली पॉली की, पॉली पॉली की बोल चीज, पॉली पॉली समझ रहे आपको? मेरे को तो नहीं समझ रहा। माली माली दो नाम की, नाम बोल। माली माली है मैली, नहीं समझ रहा। हेलो, तो मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मैं शादी में जा रही हूँ, क्योंकि हम लोग ने, मतलब मैं जिसके साथ जाने वाली हूँ, फ्रेंड्स के साथ, हम लोग ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग थोड़ा जल्दी जाएंगे और जल्दी ही वापस आएंगे, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे वहाँ पे। और दूसरा, मेरे पूज्य पिताश्री ने हाँ बोल दिया है, मतलब उन्होंने कहा खुशी खुशी, नॉट इन अ सार्कास्टिक वे, कि ठीक है जाना पर जल्दी आना। तो इसके लिए मैं जा ही रही हूँ। तो मैंने कपड़ा तो पहन लिया है, रुको दिखाती हूँ, कपड़े तो पहन लिया है, बस थोड़ा सा मेकअप शेकअप होना बाकी है, तो थोड़ा रेडी होना बाकी है। तो मैं रेडी होती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है? हो गई हूँ मैं रेडी, टीचर लग रही हूँ ना चश्मे में, बट आई कांट हेल्प इट, विद चश्मे एंड विदाउट चश्मा आई कांट सी। मैं वही सोच रही कि मैं शादी में जा तो रही हूँ बट मैं देखूँ क्या। मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं है, भगवान। क्या हालत हो गई मेरी, छोड़ो, जाते इतना तमाशा हो गया है पर जाना तो पड़ेगा, कोई ना, जाते हैं। ये देखो मैं हो गई रेडी। बताओ, लोकल ट्रेन में भी टॉम एंड जेरी भी दिखाया जाता है, मतलब उनको देख के हम प्रेरित हो कि कैसे एक दूसरे को पीटा जाता है लोकल ट्रेन में, है ना? लो, पहुंच गई मैं अपने स्टेशन नाला सुपारा। कितना खाली है पूरा ब्रिज, एकदम खाली खाली। रात को घूमने का मजा ही कुछ अलग है ना? फाइनली दिन हुआ खत्म और मैंने अपने दिल की बात सुनी और अटेंड की शादी, पर पापा के परमिशन लेके।
आप बताओ आप क्या करते जब आपका दिल और दिमाग दोनों ही सही बात कर रहा हो, तो आप किसकी बात सुनते? पहुंच गई घर, रात के 12:15 बज रहे हैं। पहुंच गई घर, ठीक है, आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो, कैसे हो? स्वागत है। यहाँ के बच्चे तुम आए?